हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मैकबुक एयर की अनबॉक्सिंग करेंगे। और ये है इसका बॉक्स, मैकबुक एयर 2017 वर्जन। और अब हम इस बॉक्स को ओपन करेंगे। मैंने ऑलरेडी इसको पहले ओपन कर रखा है फॉर सिक्योरिटी टेस्टिंग पर्पस, क्योंकि मैंने इसको ऑनलाइन परचेज किया था। अब मैं इसको ओपन करूँगा। ये है, ये कंप्लीट मैकबुक एयर 2017 वर्जन। ये काफ़ी स्लिम है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको। जैसे यहाँ से हम ओपन करेंगे, ये काफ़ी स्लिम है। और इसके बाद ये यहाँ पर एसेसरीज हैं इसकी। ये बिग चार्जर है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लिए। और ये सेकेंड इसको इन बोर्ड में इनपुट करने के लिए। और ये यहाँ पर इसका चार्जर है, कनेक्टर है ये। और इसको हम इसमें यूज कर सकते हैं। और इसको भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, यहाँ से कनेक्ट करके। यहाँ पर कुछ ये डिटेल हैं एप्पल की, मैकबुक एयर कार्ड है इसमें, एप्पल लोगो यहाँ पर मिलता है। और तो ये बॉक्स है यहाँ पर, इसमें और कुछ है नहीं। अब इसको मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। ये आप देख रहे हैं इसको, ये यहाँ पर इसका पावर बटन है। और ये कंप्लीट इसका कीबोर्ड है। और ये जो टच पैड है, ये मल्टी फंक्शनल टच पैड है। इसको अगर जूम करना है तो आप दो बटन ऐसे फिंगर से ड्रैग कर सकते हैं। अगर अप एंड डाउन ड्रैग करना है तो इसको ऐसे करेंगे। मल्टी गेस्चर ट्रैक पैड है। और इसमें 8 GB रैम है, कोर i5 प्रोसेसर है, अप टू 2.0 GHz प्रोसेसर इसमें यूज कर सकते हैं आप। और जो इसमें सबसे एडवांटेज पार्ट है कि इसका बैटरी बैकअप अप्रॉक्स 10 से 11 आवर्स तक यूज कर सकते हैं आप वन टाइम चार्ज में। और ये बहुत ही क्विक चार्ज होता है, ओनली 20 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। और 10 आवर्स एंड अबव आप इसको फुल डे यूज कर सकते हैं। और ये कैरी करने में काफ़ी इजी है, काफ़ी स्लिम है। और इसमें जो सबसे एडवांटेज पार्ट ये है कि इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव की जगह पे SSD यूज की जाती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं इसको जूम करता हूँ क्लियरली, यहाँ पर ये माइक है। और ये USB पोर्ट है, ये चार्जर केबल है USB 3.0। और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये मेमोरी कार्ड यूज करने के लिए है। और ये एक्सटर्नल, जैसे कि आप यहाँ पर कनेक्टर का यूज करके और आप एक्सटर्नल मॉनिटर या अदर कुछ भी यूज कर सकते हैं। और ये यहाँ पर एप्पल लोगो है इसमें, और ये लोगो लाइटिंग भी करता है। और इसके अलावा यहाँ पर बैक साइड में तो यहाँ पर एप्पल का कुछ डिटेल दिया गया है, मेड इन कैलिफोर्निया, डिजाइन बाय कैलिफोर्निया। और इसको मैंने यूज करके भी टेस्ट किया है, यहाँ पर मैं इसका जेन्युइन पार्ट मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, इसमें SSD होने की वजह से काफ़ी फास्ट है। अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो भी यूज करते हैं, आप एंड्रॉयड की प्रोग्रामिंग करते हैं तो भी काफ़ी इसमें बेटर यूज होता है। और अगर आप iOS ऐप डेवलपमेंट करते हैं तो भी आप इस पर बेटर परफॉर्मेंस पाएंगे, नो हैंगिंग प्रॉब्लम, नो हीटिंग प्रॉब्लम। और मुझे जो इसमें सबसे अच्छा लगा कि एक बार सिर्फ 20 मिनट में बैटरी चार्ज करने पे 10 आवर्स अबव, यानी अगर आप फुल डे मॉर्निंग में कहीं भी जाते हैं तो इवन आप नाइट तक परमानेंट इसको यूज कर सकते हैं सिर्फ ओनली 20 मिनट चार्ज करने पे। तो ये बहुत ही बिग एडवांटेज है। और इसके पहले मैं
डेल का एक्सपीएस और डेल इंस्पायरॉन और एचपी की लैपटॉप मैंने यूज़ किया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एंड्रॉयड डेवलपर हूँ। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अगर आपका बजट ठीक है, थोड़ा आप मैनेज कर सकते हैं, तो आप एप्पल ही परचेस करें, विंडो मत परचेस करें। कुछ लोग बोलते हैं इसमें कि कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो इसमें हम मोस्टली परचेज ही करना पड़ता है बस, बट ऐसा नहीं है। वो एक थिंग थी, जब आप इसको मैक को यूज़ करने लगेंगे तो आई थिंक इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है इस रियल वर्ल्ड में। इसमें एवरी परफॉर्मेंस, इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव ना होने की वजह से इसमें SSD है, जो एक बहुत बेटर परफॉर्मेंस देता है। अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करेंगे तो ओनली 2 सेकेंड में एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन होता है, और इसके लिए मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा, आप देख सकते हैं उसमें। मोस्टली जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं लैपटॉप, उसमें जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करते हैं तो वहाँ पर जब आप इमुलेटर ओपन करते हैं तो जैसे ही इमुलेटर ओपन करते हैं तो इवन कोर i7 प्रोसेसर तक का भी हैंग करने लगता है। बट ये जो एप्पल मैकबुक एयर है, इसमें ओनली कोर i5 8GB रैम पे आप मल्टीपल इमुलेटर, इवन वन नहीं मल्टीपल इमुलेटर ओपन कर दीजिए, फिर भी कोई हैंगिंग प्रॉब्लम नहीं। और इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल 10GB की अगर आप HD वीडियो, फुल HD रिकॉर्ड करते हैं, 4K वीडियो, इवन आप वो इसमें रेंडरिंग करेंगे, जब भी आप एडिट करेंगे वीडियो एडिटिंग, तो भी कोई हैंगिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये DSLR वीडियो से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आप देखेंगे इसमें कि मैं इसको वीडियो एडिट करके अपलोड करूँगा इसी मैकबुक एयर से, और कोई हैंगिंग प्रॉब्लम नहीं। ये फुल्ली मैंने इसको टेस्ट करके तभी रिव्यू बनाया है, और इसमें जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो 100% टेस्ट करके ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक एंड्रॉयड और iOS डेवलपर हूँ, इसलिए मैंने मैकबुक एयर ही परचेज किया है, और मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ इससे। अगर आप वीडियो एडिटर हैं, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट करते हैं, iOS ऐप डेवलपमेंट करते हैं, तो आपने देखा होगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो जो होते हैं वो 10GB, 5GB, 4GB, और Xcode जो एंड्रॉयड स्टूडियो का होता है वो 5GB, इवन माया जो सॉफ्टवेयर होते हैं एडोब के, सॉफ्टवेयर काफ़ी बिग होते हैं जब उनको मल्टीपल हम ओपन कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एंड्रॉयड स्टूडियो, Xcode और अदर जितने भी होते हैं, अगर आप मल्टीपल यूज कर लेते हैं तो इवन कुछ विंडो के लैपटॉप होते हैं वो हार्ड डिस्क ड्राइव के साथ वो हैंग ही कर जाते हैं, यानी उनको शट डाउन करना पड़ता है। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें SSD है, इसकी वजह से आप Xcode भी ओपन कर सकते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो भी, इमुलेटर भी, इवन अदर सॉफ्टवेयर भी, मल्टीपल आप सॉफ्टवेयर सेम टाइम में ओपन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप इसको इसमें कोई प्रॉब्लम है या क्वेश्चन है आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।